कल चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लगाए जाने के बाद मऊ जिला प्रशासन भी हरकत में आया और जिला मुख्यालय सहित तहसील और ब्लॉकों में लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टरों को उतरवा दिया। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर ने पूरे दलबल के साथ शहर में लगे होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर को खुद मौजूद रहकर उतरवाया। जी सर, जरूर सर, आचार संहिता लगते ही कार्रवाई शुरू कर दीजिए। जी बताइए। आचार संहिता लागू हो गई है और आयोग के निर्देश के क्रम में जो भी डिफेंस में जो भी पोस्टर बैनर लगे हैं उनको हटाने का कार्य कर दिया गया है और शीघ्र ही इसको पूरे जनपद में लागू किया जाएगा। सर, गाड़ियों पे लगे झंडे भी उतारे जाएंगे क्या? गाड़ियों को कोई भी झंडे उसकी जब तक अनुमति नहीं ले रहे प्रचार वाहन की, तब तक कोई झंडा लगाना। और किस पे बैन लगेगा सर, और क्या चीज बैन आएगा आचार संहिता लगने के बाद? क्या क्या चीज? कोई भी आदमी किसी भी निजी संपत्ति पर भी कोई अपना झंडा बैनर पोस्टर ले आ सकता है जब तक उसके पास लिखित अनुमति न हो। सर, प्लास्टिक से बनी सामग्रियां जो चुनाव में उपयोग होंगे, आयोग ने इस बार अनुरोध किया है कि इको फ्रेंडली इलेक्शन कराया जाए, तो उन्होंने अनुरोध किया है सारी पोलिटिकल पार्टी से सभी लोग इको फ्रेंडली सामग्री का उपयोग। सर, जब प्रचार प्रसार करेंगे क्या, तो पंचल पड़ेगा इस तरह की? बिल्कुल, जो पूर्वक व्यवस्था जैसी थी वैसे आयोग ने कहा है, उसी क्रम में लोग आवेदन करेंगे, आवेदन करने में उसकी अनुमति लेंगे और प्रसार लोग का कार्य करता है।